हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। गाइस, जैसे कि आप सबको मालूम है कि आपकी जो स्मार्टफोन में है उसमें आपको बैकअप डाटा का ऑप्शन मिलता है, जैसे कि आप अपने किसी भी डाटा को आप बैकअप कर सकते हैं। तो इसी तरीके से क्या आपको मालूम है कि आप गैलरी में या फिर फाइल मेमोरी में भी आप बैकअप कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि आप अपने फ़ोन मेमोरी से अपने अपने फ़ोन की जो गैलरी होता है वहाँ से क्या करते हैं कि फ़ोटो को आप डिलीट कर देते हैं या फिर किसी वीडियो को आप डिलीट कर देते हैं या फिर कोई भी आपका डिलीट कर देता है और आपको पता नहीं चल पाता है या फिर धोखे से आप डिलीट कर देते हैं। तो आपको काफ़ी उसके बाद आपको पछताना पड़ता है कि यार ये डिलीट हो चुका है, इसे मुझे डिलीट नहीं करना था। तो आपको अब घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका अगर जो कोई भी अगर फोटो या वीडियो कुछ भी अगर डिलीट भी हो गया, चाहे आपका कोई अगर 2 घंटे का या 5 घंटे का अगर कोई भी पिक्चर है अगर जी वो डिलीट हो गया, तो उसको भी आप रिकवर कर सकते हैं अपने सैमसंग फ़ोन में बिल्कुल आसानी के साथ। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो आप किस तरीके से रिकवर करेंगे, मैं आपको यहाँ पर सारी चीज़ें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आपको शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना है गाइस, तभी इस चीज़ को आप समझ में पाएंगे। वीडियो बहुत ही छोटी होगी तो वीडियो को पूरा देखना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि गाइस आप लोग के सपोर्ट की वजह से हमारा चैनल काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो चुका है। और बहुत ही जल्दी मैं आपको बताऊंगा कि हमारे जो चैनल में है 50,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाला है, तो बहुत ही जल्दी उसके लिए भी एक वीडियो आ जाएगा। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। गाइस, मैं आपको बता दूं कि यार जितने भी लोग हमारे वीडियो को देखते हैं, 20,000, 30,000, 50,000 इतने इतने लोग हमारे वीडियो को अगर देखते हैं, इतने लोग अगर सब्सक्राइब करेंगे तो कोई भी बंदा बहुत ही जल्दी मतलब ग्रो कर सकता है अपने यूट्यूब चैनल को। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल में क्लिक कर देना। तो यहाँ पे गाइस मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, तो उसके लिए मैं जाऊँगा पहले अपने मोबाइल की स्क्रीन में, वहाँ पे आके मैं बताऊँगा कि आखिर इस चीज़ को हम किस तरीके से इनेबल करेंगे और इसके अंदर क्या क्या फीचर है। तो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। गाइज, आ चुके हम अपने फ़ोन की स्क्रीन में। गाइज, यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि गैलरी में जैसे कि आप आते हैं अपने फ़ोन के, तो गाइज़ यहाँ पे इस तरीके से आपको मिलता है सारी चीज़ें। तो मान लो कि यहाँ पे मैं अपनी एक फ़ोटो डिलीट करना चाहता हूँ, जैसे कि इसको मैंने क्लिक किया और गाइज यहाँ पे क्लिक करने का, गाइज यहाँ पे जैसे कि डिलीट का ऑप्शन मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे सिंपल से आपका लिखा हुआ आ रहा है डिलीट। डिलीट में मैंने क्लिक किया और ये परमानेंटली हमारा डिलीट हो चुका है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि कोई भी हमारा अगर किसी भी चीज़ को डिलीट करे तो डिलीट तो हो जाए उनके नज़रों के सामने से, लेकिन बाद में हम उसे रिकवर कर सके ऐसा कोई ऑप्शन हो जाता तो बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। करना क्या, आपको दो चीज़ करना है। सबसे पहले आना है गाइज आपको माई फाइल में। माई फाइल में गाइज आने के बाद यहाँ पे आपको सबसे ऊपर ऑप्शन मिलता है 3 डॉट का, यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो आपको नीचे सबसे ऑप्शन मिलता है सेटिंग का। सेटिंग में आने के बाद गाइज आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा 2nd नंबर में, रिसाइकल बिन। इसको गाइज आपको ओपन करना है और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि कीप डिलीटेड फाइल्स एंड फोल्डर्स फॉर 30 डेज। गाइज इनका मतलब ये है कि आपकी जो भी फोल्डर या फिर फाइल फोटो वगैरह जो भी डिलीट हुआ है वो 30 दिन के अंदर जो भी अगले रहेगा उसका 30 दिन से अगले ओवर हो जाएगा तो आपका यहाँ पे रिकवर नहीं होगा, लेकिन 30 दिन ही अगर उसका हुआ होगा तो आपका रिकवर हो जाएगा। तो यहाँ से तो हमने ऑन कर दिया। उसके बाद गाइज आपको करना क्या है कि आप आएंगे गैलरी में। गैलरी में के बाद गाइज आपको क्या करना है कि फिर यहाँ पे सबसे नीचे स्टोरेज का आपको ऑप्शन मिलता है, उसके बगल में मिलता है 3 लाइन, यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपको ऑप्शन मिल जाता है सेटिंग। सेटिंग में गाइज आप क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे भी रिसाइकल बिन ऑफ रहेगा, इसको भी आपको ऑन करना है मतलब कि आपको इनेबल करना है। और यहाँ पे भी कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है कीप डिलीटेड फोटोज एंड वीडियोस फॉर 30 डेज। गाइज यहाँ पे आपका फोटो एंड वीडियो लिखा हुआ है मतलब कि आपका यहाँ पे फोटो और वीडियो जो है वो चीज़ आपका रिकवर होगा। और गाइज यहाँ पे आप माई फाइल में देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका जो है फाइल मेमोरी फोल्डर कुछ इस तरीके से कीप डिलीटेड फाइल्स एंड फोल्डर्स, मतलब कि आपकी मान लो कि व्हाट्सअप फाइल कोई फोल्डर है वो जो यहाँ पे रिकवर हो जाएगा आपका। और वहाँ पे जो था गाइज आपका क्या था कि आपका फ़ोटो वगैरह था रिकवर होने के बाद। तो गाइज यहाँ पे दोनों चीज़ें आपके यहाँ पे इनेबल हमने कर दिए। अब गाइज मैं क्या करता हूँ, फेसबुक वाले फोल्डर में मैंने ये 2 फोटो है दोनों को मैंने यहाँ पे डिलीट किया और डिलीट कर दिया इस तरीके से। गाइज को भी डिलीट करेगा तो कुछ इस तरीके से डिलीट होगा तो उसे लगेगा कि नहीं ये डिलीट हो चुका है। तो गाइज देख सकते हो फेसबुक वाला फोल्डर यहाँ से गायब है। तो गाइज हमें फिर 3 लाइन में क्लिक करना है, उसके बाद गाइज इसे रिकवर करने के लिए गाइज आपको रिसाइकल बिन में क्लिक करना है और देख सकते हैं दोनों फोटो यहाँ पे शो हो रहा है। तो गाइज हम चाहते हैं तो एक फोटो को इस तरीके से लिया और यहाँ पे रिकवर कर दिया और दूसरे फोटो को भी चाहे तो रिकवर कर दिया। उसके बाद गाइज आप चाहते हैं तो ऑल भी कर सकते हैं, जैसे कि गाइज मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें लेता हूँ, एक तरफ से ऑल किया गाइज और एक तरफ से मैंने सारे को डिलीट कर दिया। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने इन सबको मैंने डिलीट कर दिया। तो फिर हमें यहाँ पे क्लिक करना है और रिसाइकल बिन में करना है। और गाइज इस तरीके से हम चाहे तो यहाँ पे सेलेक्ट ऑल कर सकते हैं और ऑल करके गाइज हम चाहते हैं यहाँ पे रिकवर कर सकते हैं। और देख सकते हैं हमारे जितने भी फोल्डर थे सारा वापस आ चुका है, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे सारा चीज़ वापस आ चुका है हमारा। जैसे कि सबसे नीचे देख सकते हैं कि मैंने पहले फेसबुक वाला रिकवर किया, उसके बाद इरेजर वाला जो भी फोल्डर था मैंने सबको मैंने यहाँ पे रिकवर कर लिया।
तो गाइज इस तरीके से आप रिकवर कर सकते हैं, कोई भी अग्री आपका डिलीट कर देता है, लेकिन गाइज वो 30 दिन का अंदर का ही होना चाहिए। अब गाइज यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक और है, मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि गाइज इससे आपको एक नुकसान होने वाला है, लेकिन आपको घबराना नहीं है। नुकसान क्या है गाइज कि इस चीज़ को आप अगर ऑन रखते हैं, मान लो कि आपका फोटो वीडियो डिलीट हो गया लेकिन वहाँ के अंदर अगर रखा हुआ ही रहेगा, आपने उन्हें अगर रिकवर नहीं किया, तो क्या होगा कि गाइज आपकी जो इंटरनल स्टोरेज है गाइज ये काफ़ी ज़्यादा ओवर हो जाएगा, यहाँ पे गाइज जल्दी जल्दी ये फुल हो जाता है। तो गाइज इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि वहीं से खाली करना पड़ेगा। और अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपकी जो गैलरी है, रिसाइकल बिन है, कितना GB ले चुका है अब तक, तो गाइज बिल्कुल आसानी से आप ले सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। तो उसके लिए पहले मैंने कुछ फोटो को, कुछ वीडियो को मैं पहले डिलीट कर देता हूँ एक बार, उसके बाद आपकी समझ में आएंगे। तो जैसे कि मैं व्हाट्सअप में आता हूँ और यहाँ पर ऑल करता हूँ, और ऑल करके गाइज मैं यहाँ पर एक बार डिलीट कर देता हूँ। फिर गाइज हमें क्या करना है, जैसे कि इस तरीके से आपने करके रखे, उसके बाद आपको आना माई फाइल में, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है एनालाइज स्टोरेज का, यहाँ पर आप जैसे आप क्लिक करेंगे तो गाइज आपको सबसे नीचे शो हो जाएगा गैलरी, और गाइज गैलरी में आपका कितने GB लिया है यहाँ पे शो करेगा। आप चाहे तो उसे खाली कर सकते हैं, गैलरी में क्लिक करके आपको सारा यहाँ पे फोल्डर आ जाएगा। इनको चाहे तो आप इस तरीके से यहाँ पे सेलेक्ट करके इस तरीके से ऑल कर सकते हैं, जैसे भी जो भी आप चाहते हैं डिलीट करना उनको टिक लगा के यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं परमानेंटली। इससे गाइज आपकी जो फाइल मेमोरी वो खाली हो जाएगा। तो गाइज वीडियो कैसी लगी आप हमें नीचे कमेंट करके बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।